वेलकम हीलिंग प्लस 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम चैनल मैसेजेस में से एक एक मैसेज लेंगे और देखेंगे किस मैसेज के आधार पर आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपके प्रेजेंस के लिए, यहाँ पर होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑप्शन वन को आप किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं। तो अगर आपने भी सुना होगा तो पीछे से बहुत ही तेज हॉर्न आया है। जब हॉर्न की आवाज़ आती है किसी रीडिंग को करते हुए, या फिर अभी आप सुन रहे होंगे कि बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइनली आपको गाइड किया जा रहा है, या फिर आपका ध्यान किसी चीज़ की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। आपको भी अवेयर रहना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में आपके थॉट पैटर्न कैसे हैं, या फिर आप करेंटली क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपके प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन टू को आप किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन टू को आप किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज है नेचर एलिमेंट्स का। डेफिनेटली आपके लिए नेचर की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर आप में से कुछ लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं रखते हैं या आपने नहीं लगा रखे हैं तो आपके घर में कुछ ना कुछ ग्रीनरी होनी चाहिए, यानी कि आपके घर में कुछ ग्रीन एनर्जीज होनी चाहिए पेड़ पौधों की, ताकि आप उनकी वाइब्रेशंस को महसूस कर सके, या फिर आप में से कुछ लोगों को नेचर एलिमेंट्स के साथ काम करने की जरूरत है। यानी कि ये ऑप्शन टू के लिए तो मैसेज है ही नेचर एलिमेंट्स का, लेकिन ऑप्शन वन के लिए भी कहीं ना कहीं ये एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आर्चेंजल गैब्रियल का मैसेज आया है इसके अंदर ये फोर बटरफ्लाइज हैं, यानी कि नेचर की जो एनर्जीज हैं आज की रीडिंग में बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने लिए कोई भी एक मैसेज चुन लीजिएगा, आर्चेंजल गैब्रियल का या फिर नेचर एलिमेंट्स का, या गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके चुन लीजिए और मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को ऑप्शन वन के साथ में। वेलकम ऑप्शन वन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको आर्चेंजल गैब्रियल के मैसेज के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन वन को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आर्चेंजल गैब्रियल के मैसेज के द्वारा। तो आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं अगर आपके ऑप्शन के लिए, तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या बातें कहना चाहते हैं, किस तरह से अपनी बातें रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, किसी के सामने कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अपना कोई पेपर वर्क दिखाना चाहते हैं, किसी से कोई स्पेशल मीटिंग करना चाहते हैं, तो आर्चेंजल गैब्रियल को आप कॉल कर सकते हैं। यानी कि आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपको वो सपोर्ट करें या फिर आपको गाइड करें जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आर्चेंजल गैब्रियल आपको जरूर मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए पहला, सेकेंड कार्ड है आपके लिए टेन ऑफ वॉन्ड्स का, ओके थ्री, ओके नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फोर ऑफ वॉन्ड्स का। तो क्लेरिफायर भी ले लेते हैं इनके, इसी में से लेंगे आज। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन वन को क्या क्लेरिफायर देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी सिचुएशन या किसी चीज़ में एक क्लियर विजन की ज़रूरत है, और शायद उसी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ओके यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ड्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है थ्री ऑफ कॉइन्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फाइव ऑफ कप्स का, ओके बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो कि बहुत ही बढ़िया है, यानी कि कार्मिक कार्ड है। तो एक क्लैरिफाई ले लेते हैं आपके बॉटम ऑफ द डेक कार्ड का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन वन को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, ओके ये कार्ड ले लेते हैं, ये मैसेज है लाफ्टर का, ओके तो आपके लिए जो एनर्जीज मुझे यहाँ महसूस हो रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं आपकी एनर्जीज। अपने कैरियर को लेकर आप कुछ सोच रहे हैं, या फिर अपने कैरियर को कोई दिशा देना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी लाइफ में, जैसे एक एक सिचुएशन को या एक जगह को आपने पा लिया है, और उससे आगे क्या होगा इसके बारे में आप वरिड हैं। कुछ भविष्य की ऐसी चिंताएं हो सकती हैं जो कि आपको बहुत परेशान कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपको किसी न किसी के सहयोग की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके जितने भी कार्ड हैं ये कहीं ना कहीं एक
टीम वर्क की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, या लोगों के साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड भी लोगों की बात करता है, थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी एक पार्टनरशिप की एनर्जीज की बात करता है। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप शायद किसी काम को या अपने कैरियर में किसी चीज़ को दिशा देना चाहते हैं, कुछ सीखना भी चाहते हैं या कुछ सीख चुके हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो कहीं भी आगे बढ़ने के लिए एक दृढ़ निश्चय वाली एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग हैं। अपने विजन को क्लियर रखना है क्योंकि आप लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। अगर कुछ भी चीज़ें या कोई भी बात आपको एक डिसअपॉइंटमेंट दे रही है या फिर आपको घबराहट हो रही है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका कोई आइडिया या फिर जिस जगह आप बढ़ रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो व्यर्थ है। आपके कामों को अप्रिशिएट करने के लिए आपकी तरह के लोग आपको जरूर मिलेंगे। यानी कि हर इंसान के लिए जब भी वो काम करने लगता है या फिर जब वो काम करना चाहता है, अब ये जीवन का कोई सा भी एरिया हो सकता है, अपने अपने दोस्त ऐसे चाहते हैं, आप अपने ग्रुप में कुछ ऐसे लोग चाहते हैं या फिर आप ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं, आप इस तरह की ऑडियंस चाहते हैं, आप इस तरह के अपना सर्कल चाहते हैं जिसमें आपके जैसे लोग हों या आपको समझने वाले लोग हों, तो आपको वो जरूर मिलेंगे क्योंकि आपकी तरह सोचने वाले भी लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एकदम से नहीं मिल रहे हैं तो आपके लिए वो लोग नहीं है या वो ग्रुप नहीं है या फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अभी आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को निखारते जा रहे हैं और उसी के दम पर आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर पेज की एनर्जीज हैं, नाइट की एनर्जीज हैं, यहाँ पर किंग और क्वीन नहीं है। अभी आप एक प्रोसेस के अंदर हैं जिसमें आप कुछ कामों को कर रहे हैं या सीख रहे हैं या फिर किसी रास्ते पर आप चल रहे हैं, तो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपके लिए आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके लिए कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं जिनके साथ आप एक खुल के कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये आपके साथ के लोग हो सकते हैं, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो एक इंसान हो चाहे वो चार लोग हों। लेकिन आपकी सिचुएशन में यहाँ पर थ्री की एनर्जीज रिपीट हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें थ्री फोर और फाइव नंबर है, फिर नाइन टेन नंबर है और टेन के कार्ड आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहे हैं। आप एक प्रोसेस के अंदर हैं जहाँ पर लोगों के साथ मिलकर काम करना या लोगों के साथ में आपका जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपके कामों को लोग पसंद ही करें या आपको अप्रिशिएट ही करें या फिर आप उनको आप उनसे आप हामी भरवाएं अपने कामों के लिए। यहाँ पर आपको अपने इल्यूजन से बाहर निकलना है और जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या आपको आगे बढ़कर किसी से कुछ कहने की ज़रूरत है, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। ये आपके लिए आपकी पार्टनरशिप की एनर्जीज हो सकती हैं या रोमांस की एनर्जी हो सकती हैं, लाइफ पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, आपके बच्चों की या आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। यानी कि एक खुल के कम्युनिकेट करने वाली एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपको खुलकर बात करने की ज़रूरत है। अब ये एनर्जीज आपके पाइल में बहुत ही स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि आर्चेंजल गैब्रियल का मैसेज आपने चूज किया है। आर्चेंजल गैब्रियल, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कम्युनिकेशन की बात को बताते हैं, और यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं ये क्लियरली इस बात को कह रहे हैं कि एक पार्टनरशिप की एनर्जी है, यानी कि हर चीज में एक दोहरा रास्ता है, दोहरी सोच है या फिर दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, दो तरह की एनर्जीज हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट का सेल्फ है और आपका फ्यूचर का सेल्फ है। तो कल का वीडियो नहीं देखा है साईं बाबा वाला तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपके जो पास्ट सेल्फ से आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए क्या मैसेजेस हैं साईं बाबा के द्वारा, वो वीडियो मैंने बनाया था, तो आपको देख लीजिएगा। अगर आपको कोई हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके पास्ट और फ्यूचर की बात करता है, आपके प्रेजेंट मोमेंट की बात करता है। तो आप अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को लगातार बेहतर कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जो आपके हाथ में चीज़ें हैं उनको घुमाना चाहते हैं। व्हील का कार्ड है, चीज़ों को घुमाने की बात करता है, लेकिन ये व्हील टर्न हो रहा है। अभी तक अगर आप स्टक थे, अभी तक अगर आप कोई किन्हीं चीज़ों में कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे थे, तो बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सोच जो है क्लियर हो रही है, अपने जो काम है या फिर आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर सेलिब्रेट भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है और यहाँ पर कार्ड है फाइव ऑफ कप्स का। आप जगह से निकल रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैड रहे हैं या कन्फ्यूजन में रहे हैं या एंजाइटी में रहे हैं, और उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपके व्यक्तित्व में बदलाव आ रहे हैं, जहाँ पर आप एक स्टेप आगे ले रहे हैं और जहाँ पर आप अपने लॉसेज से बाहर निकलकर, जहाँ पर अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर, जहाँ पर एक डिसहार्मनी से बाहर निकलकर आप एक हार्मनी के स्टेज में जा रहे हैं। ये आपके लिए अचीवमेंट वाली एनर्जीज हैं, ये आपके लिए स्टेबिलिटी वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप लाइफ को लगातार सेलिब्रेट अप करने वाले हैं क्योंकि आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे थे या जिस जगह आप पहुंचना जा रहे थे वहां पर आप पहुंच रहे हैं। यहां पर फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए लॉसेस की बात करता है। कभी कभी हमसे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं या फिर
हमारा जो दृष्टिकोण है या पॉइंट ऑफ व्यू है चेंज नहीं हो पाता। तो किसी मामले में अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज नहीं हो पा रहा है, फिर आप किसी चीज को लेकर रिजिड हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि नहीं बदलाव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आपकी वो सोच भी अब मुझे बदलते हुए दिखाई दे रही है। एक एंजाइटी से आप मुझे सुकून में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा भी है कि आपने शायद बहुत सारा एनालाइजेशन किया है अपनी सिचुएशन का, आपने चीजों को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, आपने प्रयास किए हैं, अपने एक्शंस लिए हैं जो आपको लेने थे, आपने सोचा समझा है कि आपके लिए क्या चीजें जरूरी हैं क्या चीजें जरूरी नहीं है। कुछ एनालाइजेशन, कुछ रियलाइजेशन और इन चीजों की वजह से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस आप चाहते थे वो आपके लिए हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग विल है आपकी इस टाइम पीरियड में और उन चीजों के साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं। पुराना बैगेज आपके ऊपर नहीं है। एक डिसहार्मनी की एनर्जी से एक हार्मनी वाली एनर्जीज आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। तो जहां पर भी आपको ये लगता है कि आप डिफरेंट हैं या फिर आपको कुछ सीखना है, सीख कर अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ काम करने की सोची है, उस काम को सीखा है आपने, तो अब आपका उसमें एक्शन लेने का वक्त है। अगर आपने किसी रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो उस रिश्ते में अब बातचीत करके उसको आगे बढ़ाने का वक्त है। अगर आपने किसी रिसर्च को किया है तो उसमें आगे एक फर्दर स्टेप जाने की जरूरत है आपको, और ये देखने की जरूरत है कि आपके जो सुपीरियर्स हैं या फिर आपके जो मेंटोर हैं वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर एक कदम आगे बढ़ने की बात है। यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं आपके कैरियर के लिए उभर के आई हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर यही वाइब्रेशन महसूस हो रही है कि आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ही स्ट्रांग विल से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि शायद थके हुए हैं, एंजाइटी में भी रहे हैं और परेशान भी हैं। इंटरनली आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, लगातार जैसे थॉट्स आपको कहीं ना कहीं प्रोवोक करते रहते हैं परेशान होने के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो नींद है पूरी नहीं हुई है प्रॉपरली। रेस्ट आपको करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आप मेंटली अपने आप को सही महसूस कर सकें। और साथ ही साथ आपको हमेशा ही भाग्य चक्र में नहीं उलझा रहना है कि किस्मत मेरे लिए क्या लेकर आ रही है, लोग मेरे लिए क्या लेकर आ रहे हैं। कुछ चीजें आपके एक्शन से बदलेंगी और कुछ चीजें आपके व्यवहार से बदलेंगी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लाफ्टर का। ये कार्ड कहता है यू नीड अ गुड लाफ। तो आपको हंसने की जरूरत है। कभी कभी हमारी लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं, हमें उन पे हंसने की जरूरत होती है। ये बात मैं कह नहीं रही हूँ सिर्फ कि मैं आपसे कह रही हूँ, इस बात को मैं मानती भी हूँ और मैं फॉलो भी करती हूँ। कभी कभी हर चीज में हमें फाइट करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कोई भी लड़ाई हमारी अपनी नहीं होती। हर लड़ाई में पड़ना हमारा जरूरी नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो हमारे परिवार के लोग हों, ऐसा हो सकता है कि वो हमारी खुद की सिचुएशन हो, हमारा कोई फेलियर हो, लेकिन कभी कभी आपको उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी उन चीजों को छोड़ देते हैं, आपको फेलियर मिला है, तो उससे ये देखिए कि आप क्या सीख रहे हैं, किस तरह से आप उस बैटल के अंदर शांत रह सकते हैं, किस तरह से आप अपनी हारमनी को बैलेंस कर सकते हैं या अपनी हारमनी को मेंटेन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप उस बवंडर के अंदर, उस तूफान के अंदर अच्छा सोच सकते हैं। तो यहाँ पर एंजाइटी में नहीं जाना है। यहाँ पर अपने भारों को उतारते हुए, अपनी ओवर एंजाइटी को पार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। जो कुछ भी नया सीखना है उसको सीखिए। जहां पर आपको लॉसेस महसूस हो रहे हैं वहां पर डेफिनेटली अब गेन का टाइम है। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट भी है आपकी लाइफ में जिसमें आपको लगता था कि चीजें नहीं बदल सकती, लेकिन थ्री ऑफ कप्स का कार्ड और फोर ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड दोनों ही कार्ड सेलिब्रेशन के हैं। आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं आने वाले समय में जहां अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना या फिर अपनी लाइफ में जिस जगह आप हैं उसमें खुश रहना आपको सीखना ही होगा, या फिर आप सीख रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आपको सीखना ही होगा। अगर आप हर चीज के लिए या लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन के लिए परेशान होने लगेंगे तो फिर आने वाले टाइम में वही चीजें आपके लिए अपने आप को दोहराती रहेंगी, क्योंकि जो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में अपनी एनर्जीज रखते हैं वही आपके फ्यूचर में आपको दिखाई देती हैं। अपने आने वाले कल को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने आज को आपको बेहतर बनाना सीखना होगा। ये एक बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। जहां पर भी आप हैं वहां पे ग्राउंडेड होकर आपको क्या स्टेप लेने हैं उसकी तरफ फोकस होना चाहिए। आप थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं लोगों से, यानी कि हो सकता है कि लोगों की सोच अलग हो और आपकी सोच अलग हो, इसलिए आपको बहुत ज्यादा भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। आपको अपने एक्शन लेते रहने हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो होगा, नहीं, कभी कभी भाग्य में हमें खुद भी कुछ लिखना होता है, और ये एनर्जीज कुछ वैसी ही हैं। यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, यानी कि लोगों के साथ में आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी तक आपको आपके जैसे लोग नहीं मिले हैं तो आने वाले समय में जरूर मिलेंगे, इसलिए निश्चिंत रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच प्रकाश आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल गैब्रियल आपकी प्रेजेंस के लिए। यहाँ पर ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं।
फॉरगिवनेस का मैसेज है, तो उसको भी माफ़ करने की ज़रूरत है, उसको करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ मामलों में हम, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे महसूस हो रहा था कि कभी कभी हमसे खुद भी कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसके रिजल्ट हमारे लिए अच्छे नहीं होते, तो उन बातों से, उन चीज़ों से डिप्रेशन में या एनजाइटी में नहीं जाना है। उसमें ये देखना है कि आप उसमें आगे क्या कर सकते हैं। खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है और उन लोगों को भी माफ़ करने की ज़रूरत है जो नहीं जानते कि आपके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। जो लोग जानते ही नहीं है कि व्यवहार कैसे किया जाता है, प्यार कैसे किया जाता है, किसी रिश्ते की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, ऑनेस्टी कैसे की जाती है, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो उनकी एनर्जीज को अपने ऑरा में स्टक रखने के बजाय आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ऊपर फोकस करें। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, लर्निंग लेसन्स हैं आपके, कुछ सीख रहे हैं तो कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ पहचान रहे हैं और अपनी वर्थ को समझ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप अपनी वर्थ को शायद ज़्यादा ही समझ रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना है। नहीं समझ रहे हैं तो समझिए और उन चीज़ों को जाने दीजिए जो भी आपके लाइफ में हुआ है या फिर आपके लिए लॉस है, आपके लिए पेन है। अपने पास्ट के चश्मे से अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं देखिए, अपने पास्ट के फेलियर से अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं देखिए, इससे आपको ही परेशानी होगी और इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो अपने फ्यूचर, अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ के आगे बढ़िए और देखिए आगे आप क्या कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंडशिप का मैसेज है, अगेन ये आपके लिए ग्रुप की एनर्जीज हैं, टीम की एनर्जीज हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डेफिनेटली आपको लोगों से काम पड़ेगा या पड़ता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मैसेज है, तो अगर अपने लिए कुछ लगता है कि कुछ कमी है या फिर अपनी तरफ से कुछ गलती है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि आप डिफरेंट हैं या डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, आपकी सोच डिफरेंट है, तो यकीन मानिए आपकी जैसी सोच रखने वाले भी लोग जरूर होंगे। ये जरूरी नहीं कि उनकी तादाद बहुत बड़ी हो, उनकी सोच बहुत बड़ी हो या वो संख्या ज्यादा हो उन लोगों की। उनकी संख्या कम हो सकती है पर ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे, आपको समझते होंगे, आपको सेलिब्रेट भी करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। बस उन तक हमें पहुंचना होता है और उन तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई यात्रा करनी होती है। तो जिस टाइम पीरियड में आप वो यात्रा कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में आपको अपना ख्याल रखना है। तो आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई हैं। जरूर देखिएगा कि आपको किन लोगों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की जरूरत है, किन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है और किन लोगों के साथ में रहते हुए या ना रहते हुए भी आपको खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। तो होप कि आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आपके काम के रहें या आपके काम में आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि नेचर एलिमेंट्स के मैसेज के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन टू को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स का, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए टेन ऑफ सोर्ड्स का और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत द हेरोमेंट का। क्लैरिफायर ले लेते हैं आज इसमें से ही, डिंग इनके क्लैरिफायर। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन टू को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, वन बाय वन लेते हैं। द स्टार का कार्ड है, ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है थ्री ऑफ कॉइन्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द लवर्स का और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का। तो कुछ कार्ड रिपीट हुए हैं ऑप्शन वन से और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मैजिशियन का कार्ड। तो एक क्लैरिफायर भी ले लेते हैं आपका। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन टू को क्या क्लैरिफायर देना चाहते हैं। ओके, लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स का यहाँ पर मैसेज है, इसको ही ले लेते हैं क्योंकि ये बाहर निकल गया था। और वैसे बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए यू आर गिफ्टेड का मैसेज। यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड, कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल भी शक नहीं है। आपकी एनर्जी से ही बहुत हाई है। यहाँ पे जो एक बात मैं समझ पाई हूँ और वो बहुत क्लियर है कि आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको खुद को समझने की ज़रूरत है और खुद को अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है। आप आज जो कुछ भी हैं वहाँ तक आप ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हैं, बहुत सारी टेंशनें हैं, बहुत सारी आपकी ग्रोथ हुई है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। ऐसा आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेकर गया है और आपको उसने परफेक्ट बनाया है। कमियाँ हर इंसान में होती हैं, ये परफेक्ट होना
ये जो परफेक्ट का वर्ड है, इसकी जो डेफिनेशन है सबके लिए अलग हो सकती है, क्योंकि परफेक्ट वैसे कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट होना ये आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी झेला है, जो कुछ देखा है, उसमें आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी आप कर सकते थे आपने किया है, और उन सबको देख कर, झेल कर, सह कर आप जहाँ पर पहुँचे हैं उसके हिसाब से आप बहुत परफेक्ट हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी में कि आपने जैसे कोई सेक्रीफाइस किया है, कोई कुर्बानी दी है। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जीज महसूस हो रही हैं कि आपने कुछ अच्छा करने के लिए आपने कोई कुर्बानी दी है, और ऐसा मैं ये एक देजावू की तरह महसूस हुआ है मुझको, यानी कि ऐसा जैसे कि ये सब कुछ मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ। ये बहुत ही स्ट्रांग ऐसी एनर्जीज हैं जो कि शायद आप में से कुछ लोगों को भी देजावू टाइप की महसूस होती होंगी कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें फिर से हो गई, या कुछ इंसिडेंट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में बार बार आते रहते हैं, या उस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज थी जो कि सिर्फ देजावू वाली एनर्जीज की होती हैं, और ये 1 सेकंड का ही होता है जब आपको लगता है कि ये चीज़ आप पहले भी कह चुके हो या आप कर चुके हो, तो उसको देजावू बोलते हैं अक्सर। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है जैसे पहले भी काफ़ी वक्त से ये चीज़ें करते आ रहे हो, और आप अपने आप को खरा साबित कर रहे हो, लेकिन इस बार आपको जो चेंज करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की सुनते रहे हो, आप लोगों की विशेष पूरी करते रहे हो, आप लोगों के लिए एक जीनी की तरह हो सकते हो जो कि उनकी कमांड्स को लेता है और उनकी विशेष को पूरा करता है। बस हो गया, बहुत हो गया और काफ़ी कर लिया। तो यहाँ पर अपने आप को समझने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपने बहुत सारे लोगों की जो विशेषें ग्रैंट की हैं, लेकिन अब अपनी विशेष की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने टैलेंटेड हैं, यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड है आपके लिए, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड, यू आर गिफ्टेड। तो अपने इस गिफ्ट को आपने ख़राब नहीं करना है, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पर अपने आप को समझने की एनर्जीज हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को समझने की एनर्जीज हैं, आप क्या चाहते हैं उसको समझने की एनर्जीज हैं। आपकी सारी विशेष यहाँ पर पूरी हो सकती हैं, क्योंकि के अंदर जो मैजिशियन का कार्ड है, इसमें फेरी गॉड मदर हैं जो कि आपकी विशेष को पूरा करती हैं, और मैजिशियन का कार्ड है तो अपनी विशेष को आपको खुद पूरा करना है, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड है। अपनी विशेष को पूरा करने में आप सक्षम हैं, लेकिन उससे पहले आपको खुद ही देखना होगा कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं, या आप अपनी लाइफ में क्या डिसाइड करना चाहते हैं। आपको आपने मैसेज चुना है नेचर एलिमेंट्स का, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नेचर भरा हुआ है आपके कार्ड्स के अंदर भी। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आपके मास्टर मैनिफेस्टर होने की बात करता है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपके लिए लाइफ की उस कड़वाहट की, या उस टेस्ट और ट्रायल की बात करता है जो आपने झेली है, कड़वाहट की बात करता है। द स्टार का कार्ड आपका डिवाइन से कनेक्शन की बात करता है, और आपके लिए आपकी विशेष पूरी होने की बात भी करता है। एक पक्षी का मैसेज है, और यहाँ पर आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। यहाँ पर पानी के अंदर जो ये पर्सन है डूब रहा है, जबकि ये टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर ये बीस्ट की एनर्जीज हैं, तो आपका नेचर के साथ कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मुझे जो यहाँ महसूस हो रहा है, यहाँ पर आपको अपने खुद के जो नेचर एलिमेंट्स हैं, या आपकी लाइफ में खुद का जो नेचर है, या आपको जो क्रिएट करना है, ये एनर्जीज उसके बारे में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत है, और आपको अपनी रियल फीलिंग्स को सुनने की ज़रूरत है कि आप कैसे खुद को खुश रख सकते हैं। आपने इतना सेक्रीफाइस कर लिया है लोगों को खुश करने में, या फिर लोगों की भलाई के लिए, कि मुझे नहीं लगता है कि अब इसकी 1% भी कहीं ज़रूरत है। क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं, ये कहती हैं कि आपके पास इतना सारा विजडम है, इतनी सारी आपके पास नॉलेज है, उसको यूज़ करना है अपने भले के लिए। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं, या कर रहे हैं, या फिर आपने करने की सोच रखी है, लेकिन उसमें आपका भला कहाँ पे है, आपकी एनर्जीज कहाँ पर हैं, आपकी हैप्पीनेस कहाँ पर है। जैसे कि साईं बाबा के चैनल मैसेज में था ये मैसेज कि वेयर इज योर हैप्पीनेस, तो वेयर इज योर हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, आपकी ग्रोथ कहाँ है, आपकी सक्सेस कहाँ है। जहाँ जिन भी चीज़ों को आप सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं, जिन भी चीज़ों को आप देखते आ रहे हैं, जिन भी सिचुएशंस को आप झेलते आ रहे हैं, वहाँ पे अब आपकी खुशियाँ पूरा होने का वक्त है, खुद को देखने का वक्त है, अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनने का वक्त है। डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली अपने बिलीफ सिस्टम पे स्टैंड लेता है, उसको बहुत अच्छे से पूरा करता है, या फिर जो कुछ भी वो कहता है उसको पूरा करना जानता है। आप उन लोगों में नहीं है कि आपको कोई भी मैनिपुलेट कर सके, इसलिए आपको इस तरह की एनर्जी से बचना चाहिए। आपको कौन इंसान मिल रहे हैं, किस तरह के लोग आपको मिल रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, या फिर आपको सिर्फ शो करते हैं, आपको इस तरह के लोगों से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जब भी आप लोगों के साथ में कोई बात कहते हैं या करते हैं, तो वहाँ पर आपका व्यक्तित्व अलग है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी बात में कोई वजन हो सकता है। तो इसलिए अपने
अपने शब्दों को, अपनी एनर्जीज को व्यर्थ नहीं करना है। डेफिनेटली लोगों के साथ में एक सेलिब्रेशन भी करना है, उनके साथ आपको बात भी करनी है, क्योंकि लोगों को आपकी जरूरत है, लोगों को आपके विजडम की जरूरत है। लेकिन खुद को जलाकर आपने कुछ नहीं करना है, खुद को खत्म करके आपने कुछ नहीं करना है। आप जो कुछ भी और सीख सकते हैं उसको सीखिए, जो नॉलेज आप ले सकते हैं उसको लीजिए, क्योंकि आपका मिशन भी यहाँ पर बहुत बड़ा है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं, या फिर आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं जिसका एक टाइम पीरियड में कोई ऐसा बिहेवियर था जो कि बहुत ही ज़्यादा रूड था, या फिर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर था आपका, और अब आपने अपने नेचर को बदल लिया है। हालांकि वो एग्रेसिवनेस आज भी आपके अंदर है, लेकिन उसके ऊपर अब विजडम आ गया है, उसके ऊपर एक ऐसा क्लॉक आपने चढ़ा लिया है, या फिर एक ऐसी ऐसा पर्दा आ गया है जो कि विजडम से भरा हुआ है, लेकिन अंदर आप वही हैं जो कि एक एग्रेसिव नेचर के पर्सन थे। या फिर वो एग्रेसिवनेस आपकी बाहर आ सकती है जब कोई आपको फिंगर पॉइंट आउट करने की कोशिश करे, या फिर जब कोई आपको दबाने की कोशिश करे। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपने अब तक जो कुछ भी झेला है उसमें आपके जो इमोशन हैं कहीं ना कहीं दबे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत सारे, जो भी आपने जिन लोगों के लिए भी सेक्रीफाइस किए हैं, वो लोग वर्थ नहीं करते थे, और आपके सेक्रीफाइस वो कहीं ना कहीं वेस्ट गए। कहीं वो अच्छे रहे लेकिन बहुत ज्यादा समय तक, या बहुत ज्यादा लोगों के लिए जो आपने किए हैं वो वेस्ट रहे। आपके इमोशंस को आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे सप्रेस किया है या दबाया है, और उसकी वजह से भी आपकी जो मन की इच्छाएं हैं वो कुछ पूरी नहीं हो पाई। और उनको पूरा करने के लिए अब ये जरूरी है कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुने और अपने उस विजडम को बांटे भी, यानी कि आप के विजडम की लोगों को जरूरत है। आप अपने विजडम को बांटे भी ताकि लोग जो हैं आपके उस विजडम का लाभ उठा सकें, और आप जो करने आए हैं, आपका जो सोल पाथ है, सोल पर्पस है, उस तक आप पहुंच सके। ये खुद को समझने के बारे में है, खुद की केयर करने के बारे में है, और खुद की विशेष को पूरा करने के बारे में है। ये कुछ इस तरह से है कि ये खुश होने के बारे में है, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस महसूस करने के बारे में है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप बहुत ही स्किल्ड पर्सन है, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा विजडम है, आपकी स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन आप कभी कभी ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर बैठते हैं जो कि आपके ट्रस्ट के लिए लायक नहीं है, या फिर वो आपको धोखा दे देते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको अपनी एग्रेसिवनेस को, या फिर आपको अपने शांत व्यवहार को, या शांत जो आपका साइड है उसको कैसे मेंटेन करना है। मुझे आप दो हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं, यानी कि एक जो पर्सन है वो बहुत शांत है, एक जो साइड है वो बहुत एग्रेसिव है। इसको आपको बैलेंस करना आता है, ये विजडम आपके पास में है। तो इसलिए भी लोग आपसे हो सकता है थोड़ा सा डरते हों, थोड़ा सा घबराते हों, या एक निश्चित दूरी उनको आपसे लगती हो। ये जो कुछ भी है, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पे रीड कर रही हूँ। आप किसी भी एज में हैं, आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता, पर आप इंटेलिजेंट हैं। पर आपका जो ट्रस्ट है वो आप गलत लोगों पर डालते हैं, और उसकी वजह से आपको बहुत सब कुछ फेस करना पड़ता है। और ये आपका गलत डिसीजन इसलिए होता है क्योंकि आप अपने जैसा मानते हैं लोगों को, आपको लगता है जैसे आप हैं वैसे ही सब लोग होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो नेचर एलिमेंट्स का मैसेज आया है वो ये कहता है कि खुद के नेचर को समझने की जरूरत है, अपने अंदर क्या जो बीस्ट है। क्योंकि द लवर्स के कार्ड में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको नहीं पता होगा, ये जो कार्ड का डेक है, ये कार्ड का डेक है टैरो ऑफ द डिवाइन, जो कि मैंने अभी कल ही ऐड किया है। और ये कार्ड के डेक के अंदर अलग अलग जो फेरी टेल्स की कहानियां हैं, कोई फोक टेल्स हैं कह लीजिए, डीटीज की कहानियां हैं, यानी कि हर कार्ड में कोई ना कोई एक किस्सा है, एक कहानी है, एक किरदार है। तो इसके अंदर ब्यूटी एंड द बीस्ट का किरदार है, यानी कि द लवर्स की एनर्जीज। ब्यूटी एंड द बीस्ट, हम सबको पता है, एक मूवी भी आई है अभी, और ये एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जो कि बीस्ट बन जाता है, राक्षस बन जाता है, और ये राजकुमारी ही उसको सही कर सकती है, और उसको बहुत ही प्यार से बैलेंस भी करती है। तो ये जो मुझे एनर्जीज महसूस हो रही हैं, ये मुझे किसी अदर पर्सन की एनर्जीज महसूस नहीं हो रही हैं, ये मुझे आपका ही वो साइड दिखाई दे रहा है जिसको आपने बैलेंस करना है, जिसको आपने सही करना है, जिसको आपने नर्चर करना है। मुझे बस ये दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, और जो कि आपके इस अच्छी बातों को पहचानते नहीं हैं। तो आपको अपने विजडम का यूज करना है कि आपको लोगों के साथ रहते हुए भी कितनी एनर्जीज लगानी है और कितनी एनर्जीज नहीं लगानी है। आपकी पता है कार्ड बिल्कुल अलग हैं और आपकी रीडिंग बिल्कुल ही अलग आई है। हालांकि अगर नेचर एलिमेंट्स की मैं बात कहूँ, आपके कार्ड्स में नेचर एलिमेंट्स बहुत हैं, बीस्ट की एनर्जीज जैसे कि मैंने बताया, स्टार की एनर्जीज हैं, यहाँ पर बर्ड भी है, बहुत सारी एनर्जीज ऐसी कि एक ग्रुप की एनर्जीज हैं, यानी कि लोगों के साथ आपको रहना तो है, पर किस पे अपना ट्रस्ट रखना है और किस पे नहीं रखना है ये आपको देखना है। यानी कि लोगों के साथ रहिए लेकिन वही काम कीजिए जो कि आपकी मन की इच्छाओं को भी पूरा करते हों और आपको सही रास्ते पर भी रखते हों। किसी की वजह से अपने आप को ना तो डिस्टर्ब करना है और ना ही परेशान होना है। मेडिटेशन का मैसेज है आपके लिए, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है और कुछ मामलों में ये अपनी पावर को भी क्लेम करने वाली बात है, यानी कि अपनी इनर पावर को अपने हाथ में रखने वाली बात है, किसी और के ऊपर आपको नहीं गंवाना है।
मुझे ऐसा लगता है लोग आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लें तो थोड़ा सा उतना ही कीजिए जितना कि लोग आपकी कामों को, आपकी वर्थ को अप्रिशिएट कर सकें, और ज़्यादा करके आप अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को वेस्ट नहीं कीजिए। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि अपना विजडम भी आपको उन्हीं को देना चाहिए जो कि लेने के लिए तैयार हों। यानी कि अगर अभी तक आपको आपके जैसे लोग नहीं मिले हैं तो मिलेंगे जरूर, लेकिन उन लोगों को दीजिए ज्ञान भी जिनको उसकी ज़रूरत हो। न्यू बिगनिंग्स का मैसेज है आपके लिए, नई शुरुआत है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 का कार्ड है और आपके जीवन में आप उस विजडम की तरफ जा रहे हैं जो कि आपको लाइफ को सेलिब्रेट भी करना सिखाएगा और आपको ये भी बताएगा कि हर चीज को करने के लिए सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि आप अपने आप को खत्म करके ही कोई चीज पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये हमारे भ्रम होते हैं जो कि टूटने जरूरी होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। बैलेंस का यहाँ पे मैसेज है, एक बैलेंस देखिए, मैंने तो कहा ही है कि ये आपकी खुद की एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में है, और बैलेंस का कार्ड भी आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड, तो अगर ऑप्शन वन चुनने का सोचा था आपने 1% भी, उसको भी सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है यही आया है सेम इसी तरह से। तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप खुद को पहचानें, खुद को समझें, और अगर आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो अपनी पावर को इकट्ठा करने की जरूरत है। मैजिशियन का कार्ड आपके लिए मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड है, लेकिन मास्टर मैनिफेस्टर बनने के लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना बहुत जरूरी है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, और आपकी विशेष पूरी भी होंगी क्योंकि स्टार का कार्ड है यहाँ पे। लेकिन इस न्यू बिगनिंग के लिए, स्टार के कार्ड की विशेष को लेने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा ताकि आपके एनर्जीज चैनलाइज हो सके, न्यू बिगनिंग की तरफ जाना होगा, और वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने से ही आएंगे। तो आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।